एक यहाँ पे सामने देखो, थैंक यू मैम, यहाँ पे सामने थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस, फिल्म जब एक शुरुआत होती है और एक कंप्लीशन पे आती है, एक अलग इमोशन होता है। आज संडे आफ्टरनून में इतना पैक्ड हाउस फॉर योर फिल्म, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, द मीडिया गाइज, एवरीबडी हैज कम, और अंदर काफ़ी लोग, मतलब इनफैक्ट कुछ लोग खड़े होकर ही देख रहे हैं क्योंकि पूरा भरा हुआ है। ये कहानी हम लोगों ने जब शुरू की थी, दैट वॉज बैक इन 2018 एक्चुअली, मे बी बिफोर दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है, कहानी का आइडिया आता है एंड देन इफ़ इट रिमेन्स विद यू फॉर सो लॉन्ग। इनफैक्ट 2016 में आई वॉज सिटिंग विद समबडी और हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कहानी होनी चाहिए, और उसको करते करते फाइनली वी कुड डू इट इन, तो बाय दैट टाइम, उस समय तक कहानी एकदम पक चुकी थी, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप हो चुकी थी। और तो अब तो बनने के बाद अच्छा ही लग रहा है, सबने अच्छा एक्टिंग किया, राम बहादुर रेनू वन ऑफ द मेन लीड्स, अभिषेक निश्चल और दुर्गेश कुमार, दुर्गेश अभी नहीं आए, वो थोड़ा लेट हो गए हैं, तो दुर्गेश हैज़ बिकम फेमस बिकॉज ऑफ हिज पंचायत सीरीज एंड अदर थिंग। ऑल थ्री गाइज हैव डन अमेजिंग जॉब, और जैसा कि लिखा था कैरेक्टर और उसी तरीके का हुआ है, और ये बहुत ही नए टाइप का भी एक कहानी है, इट्स कॉल्ड चेम्बर ड्रामा। तीन लोग एक कमरे में, फिल्म का 70% होगा एक ही कमरे में तीन लोग हैं, और ऐसा थ्रिलर है कि आप 119 मिनट की फिल्म, मतलब दो घंटे की फिल्म है, और दो घंटे तक आप लोग, अब जब आप देखेंगे, जब बाद में आप लोग ऑडियंस से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो घंटे में कोई भी एक मिनट ऐसा नहीं आएगा या 30 सेकंड भी नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आप अरे क्या हो रहा है, या होता कई बार बोर हो जाते हैं लोग, तो वो इस तरीके का थ्रिलर है। एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि दिस फिल्म इज़ इन मैथिली लैंग्वेज, नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज लैंग्वेज इन बिहार, झारखंड, नेपाल, ऑलमोस्ट 5 to 6 crore पीपल स्पीक मैथिली। इसका इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत स्लो है, अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे मेकर्स आ रहे हैं अब वहाँ से, और बहुत ग्रो कर रहा है, तो वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले समय में, एंड दिस इज़ माई सेकेंड मैथिली फिल्म, माई फर्स्ट मैथिली फिल्म इज़ द फर्स्ट फिल्म फ्रॉम बिहार टू विन नेशनल अवार्ड इन 2016, तो ये मेरी दूसरी फिल्म है। और
आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी। एक फिल्म को बनाने में एक प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, और जब प्रोड्यूसर यू नो सिबलिंग भी हो, हाँ, तो बनाना कितना इजी या डिफिकल्ट होगा? दोनों ही होता है, इजी और डिफिकल्ट दोनों हो जाता है। इजी इसलिए होता है क्योंकि मुझे डिस्कशन के लिए ऐसा होता है कई बार प्रोड्यूसर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मुझे बस बगल वाले कमरे में जाना होता है। और डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है कई बार ऑन द क्रिएटिव लेवल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ओपन डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होता है, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी क्योंकि हम और नीतू मिलके दोनों चंपारण टॉकीज बेजोड़ हम दोनों ही प्रोड्यूसर रहते हैं और लगातार हमने अभी 4 फिल्में की हैं, 100 म्यूज़िक वीडियोस किए होंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक अंडरस्टैंडिंग या वो समझ में आता है कि हाँ, लाइक नीतू ऑल्सो नोज कि आई क्या बनने वाला है आगे के प्रोजेक्ट्स में भी। तो मोस्टली इट हैज़ बीन अ कंफर्टेबल जर्नी सो फार। आपसे जानना चाहेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे प्रोजेक्ट में, क्या आपको एक मेमोरी आपकी फर्स्ट सिल्वर स्क्रीन की क्या आप चेरिश करेंगे? मेरे लिए तो ये भाग्य की बात है कि मैं अपनी मातृभाषा में मैंने काम किया है, ये मेरा पहला काम है अपनी मातृभाषा मैथिली में। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा इंट्रेंस हुआ था 1997 में, 3 साल के प्रशिक्षण के बाद 2000 में पास आउट हुआ, फिर मुंबई आया मैं। तो लगातार इंग्लिश और हिंदी फिल्मों में सीरियल्स में मैंने काम किया, बहुत सारा काम होता रहा, मन में ये चाह थी कि मैथिली में काम करूं, लेकिन उस तरह का कोई वाक्य, उस तरह की बातें, उस तरह के लोग नहीं मिले कि मैं करता। और मेरा भाग्य, ईश्वर कृपा कि नितिन बाबू मिल गए, नीतू जी मिल गई, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी मानता हूँ मैं आज इस तरह से बोल पा रहा हूँ कि मैथिली में मैंने एक काम किया। ऋण होता है माता पिता का और भाषा का, भूमि का ऋण होता है, तो वो हमें उतारना चाहिए, मैं उतारने के प्रोसेस में आ चुका हूँ तो खुश हूँ। दूसरी बात की जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, वो कैरेक्टर है स्टेशन मास्टर, साइकी है वो, परेशान आत्मा है, जिसको कह सकते हैं एक शब्द में परेशान आत्मा है, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है कुछ उस शायद उसको भी पता नहीं है, करना इतना आसान नहीं है। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो जो मैंने किया वो रिपीट ना कर पाऊँ, तो इसके लिए क्रेडिट मैं देना चाहूँगा नितिन बाबू को, जिन्होंने इतना कुछ बताया कि गर्दन ऐसी रखनी है, आँखें ऐसी रहेगी, आपकी स्पीच ऐसे होंगे, आपका ये होगा वो होगा, दिस और दैट, ए बी सी डी ई एफ जी, मैं तो मिट्टी हूँ, एक मिट्टी अच्छी मिट्टी बन के रहने की मैंने कोशिश की और सब कुछ इन्होंने करवाया। अब मेरा संतोष करके संतुष्ट हूँ इस कैरेक्टर को, एक इंसान के नाते बड़ा संतुष्ट हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट के नाते मैं संतुष्ट नहीं होना चाहता, बार बार अपने आप को कहता हूँ नहीं संतुष्ट नहीं होना, जो आपने क्या और होना चाहिए, इंसान हूँ तो आर्टिस्ट भी हूँ, खुश हूँ कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नायाब सिनेमा, नायाब सिनेमा क्यों कह रहा हूँ, उसमें एक मेरा अपना जो लॉजिक है, अपना तर्क ये है कि कम संसाधन पहला पॉइंट, दूसरी बात कि ऐसी भाषा जिसको लोग पूरे हिंदुस्तान के जन जन को इस भाषा के शब्द के बारे में, नाम के बारे में पता नहीं, आप कहेंगे मैथिली एक भाषा है, लोग कहेंगे मैथिली कोई भाषा है क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात कि भाषा जिनको जन जन के लोग नहीं जानते। तीसरी बात है कि एक छोटा सा कमरा। चौथी बात है 3 कैरेक्टर। और उससे अगली बात है कि 16-17 दिन। ये सब मैं सोचता हूँ तो अभिभूत हो जाता हूँ और आश्चर्य लगता है कैसे इतना बड़ा कलेजा कैसे हो सकता है, हमने काम कर लिया। ये बहुत ही अपने आप में सरप्राइज करने वाली बात अब मुझे लगती है, तो बहुत खुश हूँ कि मेरा अपना योगदान अपने लिए, राष्ट्र के लिए और सिनेमा के लिए अच्छे ट्रैक पे है। और मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार कि आप लोग हैं यहाँ पर, और हमारे निश्चल ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने जो साथ दिया, एक अच्छे साथी, एक अच्छे यात्री आपके साथ हो तो यात्रा में कटने वाले वक्त सुखद भी होते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो ये जैक्सन हॉल्ट फिल्म जो मैंने की है, इसमें हम दोनों का स्वास्थ्य भी खराब हुआ, हम दोनों परेशान भी हुए, 18 घंटा शूट भी किया, 19 घंटा भी किया, 17 घंटा भी किया, तो निश्चल अभिषेक का साथ उसमें बहुत मेरा मुझे काम आया, तो मैं इसको उसको शुक्रिया अदा करता हूँ निश्चल के साथ कि बहुत आप प्रिय हैं और अच्छे अभिनेता हैं। हाँ,
नमस्कार आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मुंबई में आज हमारी पहली स्क्रीनिंग है एंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल वॉचिंग, देर इज नॉट इवन अ सिंगल सीट विच इज़ एम्प्टी, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो मुझे हमेशा से ये दिस फिल्म ब्रॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिकनेक्ट विथ माई रूट्स एंड रिकिंडल माई लव फॉर माई बर्थ प्लेस। क्या होता है कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर आप जाते रहते हैं, जैसे आप दिल्ली से पटना, पटना से फिर पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, तो एक बड़ा सवाल कीप्स हॉवरिंग इन द हेड कि वेयर डू आई बिलोंग, मतलब मैं हूँ कहाँ का। तो बॉम्बे शहर में बात हो गए बहुत सालों से, लेकिन इस फिल्म ने मुझे ये बताया कि तुम कहाँ के हो इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, दिस इज़ योर रूट्स। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि मुझे अपनी जड़ को वापस से आई कुड आइडेंटिफाई एंड आई कुड रीकनेक्ट, एंड ऑल थैंक्स टू जैक्सन हॉल फॉर दैट। नितिन सर, पहली बार जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नैरेट किया था एंड द काइंड ऑफ पैशन ही हैज़ ब्रॉट, तो मुझे लगा कि ये डायरेक्टर बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, तो फिल्म तो ये बनाएगा। अच्छा, फिल्मों में ये बहुत होती है कि बहुत लोग बातें करते हैं, फिल्में आधी बनती हैं, और उनमें से बहुत फिल्में हैं जो आती हैं और आके लोग देख पाते हैं, लेकिन जिस पैशन के साथ ये फिल्म को मुझे नैरेट कर रहे थे, मुझे लगा कि ये फिल्म तो बना के मानेंगे। और फिल्म बना के ही नहीं माना, इन्होंने फिल्म को दिखा के भी माना, और एक साल के अंदर में हम लोगों ने जितनी मेहनत की, इनकी मेहनत उसके बाद भी कंटिन्यूड रही, चलती रही कि ये पोस्ट प्रोडक्शन, हालांकि बहुत चैलेंजिंग काम है, मैथिली इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ अभी तक है नहीं, लोग हैं जो बहुत गुड वाइब्स, गुडविल देते हैं, बट स्टिल इट हैज़ टू कम अप मॉनिटरली एंड सो दैट मोर फिल्म्स लाइक दिस कैन बी मेड। दूसरी बात ये कि हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि क्या हमारी फिल्म को वो लोग भी रिलेट कर पाते हैं जो उस भाषा से नहीं ताल्लुक़ रखते हैं, एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग देयर, कि 25-30 मिनट हमने फिल्म देखी और बहुत सारे नॉन मैथिली भाषी लोग हैं और वो बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वी वर्कड हार्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आर डायरेक्टर एंड द विजन, एंड एक अच्छा सा प्रोडक्ट आया तो उस बात की बहुत खुशी है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड दैट कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बाकी लोग इस बात को समझे, देखें, एंड वी आर ईगर टू वर्क मोर, वी आर ईगर टू कोलेबोरेट विथ मोर पीपल, एंड सो दैट सिनेमा इज़ आर फर्स्ट लव एंड वी वुड लाइक टू डू मोर सिनेमा। जैक्सन हॉल इज अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ आर ड्रीम्स, सो आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच। Yeah, please come. Yeah, you come. Thank you. Thank you so much. Neetha, do we say that you would be the torch bearer for the Maithili language? I think we are the torch bearers of the languages from Bihar, and which is what is important. All the three languages are very important languages. Maithili इसलिए भी ज़्यादा हम लोग के अजीज़ है, और क्योंकि ये बहुत ही प्यारी भाषा है, इसके कल्चर, इसके लिटरेचर बहुत प्यारी, और हमें पहला नेशनल अवार्ड अगर हम बिहार के लिए, जहाँ जो फिल्म बिहार में शूट हुई है मिथिला मखान, वो हम बिहार के लिए पहली नेशनल फिल्म, नेशनल अवार्ड लेकर आ पाए थे, इसलिए भी मैथिली हमारे लिए बहुत अजीज़ है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, मगही बहुत ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाषा है, बिहार इन तीनों भाषाओं से जुड़ते हैं, और फिर और भी हैं लैंग्वेजेस, बट दीज आर द थ्री मेन लैंग्वेजेस। सो नितिन एंड मी आर दी यू नो द वंस हु आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स थ्रू इट। इट्स नितिन्स राइटिंग एंड डायरेक्शन, इट्स माय विजन टू प्रोड्यूस इट एंड स्टैंड बाय हिम सेइंग कि लेट्स डू इट टुगेदर। एंड जितने अच्छे कलाकार हैं वहाँ से आते हैं, जैसे मेरे बगल में ही दो खड़े हैं, और दोनों बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, बिकॉज उनको समझ आता है जो हमारा विजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि लैंग्वेज चाहे किसी भी जगह की हो, अगर लोग उसके भाषी हैं तो उनकी कल्चर, ट्रेडिशन, ये सबको दिखाना और उसको संभालना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बिहार से आते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम ये कर पा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो यू नो टू प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट एंड टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ वेल यू नो वट मैंने हमेशा देखा है, चाहे वो एंजेलिना जोली हो या मेरिल स्ट्रीप हो, यहाँ पे आप देखिए यू नो अनुष्का शर्मा हो, कैटरीना हो, या
अब आप प्रियंका चोपड़ा हों, जितने लोग जो भी अपनी स्टोरी कहना चाहते हैं, आलिया भट्ट अभी प्रोड्यूस कर रही थी, वो एक अपनी टीम बना के इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इसलिए भी रहा है क्योंकि लैंग्वेज अब कोई बैरियर नहीं रहेगी। वी कैन नॉट से कि मैथिली भाषा ही, या क्योंकि अगर आप कोरियन जापनीज चाइनीज फिल्में देखते हैं, वर्ल्ड क्लास सिनेमा होना चाहिए जो हम बनाते हैं। मैथिली भाषा एक ऐसी भाषा है जो 50 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में बोलते हैं, और हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम लेगेसी बना रहे हैं, हम हिस्ट्री बना रहे हैं, और ये एक सुकून तो है ही, और जॉब क्रिएशन और उसके थ्रू जितने लोग बिजनेसेस देखते हैं वो भी एक बहुत महत्व रखता है कि बिज़नेस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हम और मूवीज़ नहीं बना पाएंगे। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेबल पे रखा हुआ बात है कि फिल्में बनाएंगे, फिल्में देखेंगे लोग, पैसे आएंगे और उन पैसों से और फिल्में बनेंगी और जॉब्स क्रिएट होगा, और अच्छे कलाकार जो आज हमारी फिल्मों में हैं और इनटू 100 times 1000 times और ज़्यादा हम उनके साथ काम कर सकेंगे। द ग्रेट मेमरी विच आई विल टेल यू इज दैट व्हेन आई यूज टू टॉक टू नितिन फ्रॉम द लोकेशन, ही यूज्ड टू से 45 degrees है, 48 degrees है। ये बहुत ब्रेवरी की बात होती है कि पूरी टीम को नितिन लीड करके उतने एक गांव में जाके जहाँ एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं और हर तरह से एडजस्ट करते हैं और अलग अलग, और उसको क्योंकि ना किसी ने कहा है कि फिल्म ना ज़िद से बनता है, पैसों से नहीं, पैसे तो आ ही जाते हैं। आई थिंक जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारी टीम को भी, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं, हो सकता है उसके पीछे कुछ गलतियाँ हो जाएं जिसमें हम आपको उतना फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हों, लेकिन फिल्म के नाम तब जब आज लोग फिल्म देखेंगे कल आपको पता चलेगा कि ये फिल्म को इस तरह से रिसीव किया गया है कि आपके पीछे लोग भागने लगे और काम के लिए, इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जब मुझे वहाँ से फ़ोन आता था आज 44 degrees है, आज 48 degrees है, और मैं सोचती थी ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। थैंक यू। हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, Do you want to take this this later? Yeah. Like let them. हम लोग हाँ, हाँ, let them meet. हाँ, let them meet. Thank you. So the few actresses, actors जो उन्होंने cross किया है barrier from Bollywood India to Hollywood. So tell us about Hollywood experience. वहाँ कैसा था काम करना? वह मैं 4 साल से वहीं पर काम कर रही थी। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज यू कम टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर कल्चर टू वर्क द वे दे वॉन्ट टू वर्क, एंड आई पर्सनली फील कि they are very organized, they exactly know what they are working on, what they are looking at, and why you will know why you are part of the film also. Is you know, sometimes here you don't know why you're part of the film or why somebody else is a part of the film, but here in these kind of scenarios we know exactly where why we are. I'm a black belt 4 dan in taekwondo, I've represented my country, our country 3 times, and I'm a theater artist as well. I'm umraj anada kar rahi hu on live on stage for 2 hours 20 minutes. So I think ये combination मेरे लिए opportunity है, और ये जो Hollywood में मैंने किया उसमें मैंने खुद अपना action भी किया है। It's a franchise of Sony Studio called Never Back Down. This is the 4th part of Never Back Down called Never Back Down Revolt, और ये Amazon Prime पर है, आप लोग देखें। अगर कोई character मिलता है तो उसको justify करना मेरा काम है, उसी लिए शायद मुझे हायर किया जाता है, तो मैं उस पर ही you know कर उसी पे ध्यान देती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा एयरपोर्ट लुक क्या है, या यू नो मुझे कहाँ कैसे करके जाना है, उस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती हूँ, और मुझे लगता भी नहीं कि उतना इम्पोर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा उसमें पुश किया जाता है, ऐसे करो वैसे, ये लुक में जाओ वो लुक पे जाओ, बट या आई थिंक द डिफरेंस इज़ दैट यू नो वी आर वहाँ पर काफ़ी मैनेज होता है, लेकिन अपनापन मुझे हमेशा यहीं पर मिला है, और बॉलीवुड ने मुझे एक पोजिशन दी है, एक नाम दिया है, इसलिए शायद आज हॉलीवुड भी मुझे जानता है। और मेरा बहुत शुक्रिया है कि मैं बिहार की लड़की हूँ और बॉलीवुड में आके अक्षय कुमार जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च हुई एक बहुत ही यंग एज पर, और लिटरली बॉलीवुड में बड़ी हुई हूँ मैं। बॉलीवुड ने मुझे बहुत सिखाया है,
15 साल से मैं बॉलीवुड में हूँ और आप मैंने 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ काम किया और सबका बहुत शुक्रिया है. प्रियदर्शन सर, मधु भंडारकर, दिबाकर बैनर्जी, रामगोपाल वर्मा, अनीस बज़मी सर, जगमोहन मुनरा, यू नेम इट एंड आई वर्क विद टॉप ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स. साउथ में भी मैंने शेखर कमला सर या विक्रम के कुमार, सूर्या सर, सबके साथ काम किया है, नागार्जुना सर. आई थिंक वी हैव लिटरली लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई सीनियर्स एंड वर्कड इन द इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक आई एम एनी थिंग विदाउट बॉलीवुड, बॉलीवुड इंडियन फिल्म सिनेमा, बिकॉज मैंने दोनों नॉर्थ एंड साउथ दोनों में काम किया है. सॉरी, यू आर आस्किंग मी? आई वाज लाइक ओके किधर. वेल, उमराव जान अदा इज अ म्यूजिकल प्ले. इट इज डायरेक्टेड बाय राजीव गोस्वामी. इट्स द म्यूजिक इज बाय खयाम साहब एंड सलीम सुलेमान. बहुत ही खूबसूरती से इसे स्टेज के स्टेज पर प्रेजेंट किया जा रहा है. दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जितने भी गाने हैं वो सब सलीम सुलेमान ने रिक्रिएट किया है. बहुत ही खूबसूरती से कथक के तोड़े टुकड़े पदक्रिया आप देखेंगे उसमें, बहुत ही जितनी भी तिहाइयाँ हैं. और अब मैं 2-3 महीने से यू नो उस पर काम कर रही हूँ, लाइव ऑन स्टेज फॉर 2 hours 20 minutes. अभी अमेरिका में 11 सिटीज़ में 3 शोज़ ईच मतलब करने जा रहे हैं हम लोग मार्च के महीने से. सो उस पर प्रिपरेशन अभी चल रही है. या आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रहते हैं म्यूजिकल्स से. एंड सबसे बड़ा एग्जांपल मुगले आज़म है जो इसके पहले जा चुका है. एंड मैं सबको, मुगले आज़म के इंटायर टीम को और फिरोज सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपने इतना बड़ा नाम किया है वहाँ पर. सब लोग बहुत बड़े फैंस हैं मुगले आज़म के एंड यू ऑल इंस्पायर अस टू डू उमराव जान. एंड मुझे लगता है कि ये एक वर्टिकल है जिस पर मैं ज़िंदगी भर काम करना चाहूँगी. आज उमराव जान है, कल कोई और यू नो पीरियड ड्रामा कर सकते हैं ऑन स्टेज, किसी की बायोपिक कर सकते हैं ऑन स्टेज. ये रास्ते खुलते जाएंगे अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो. एंड व्हाई नॉट, पूरे US में इतने सारे शोज़, ऑपराज और ब्रॉडवे शोज़ होते हैं. हिंदुस्तान से भी जाएंगे और पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तान का नाम फिर से रोशन कर सकते हैं इस वर्टिकल में भी. Everyone and I am very happy कि इतना बड़ा टेम्पल बना है और जाएंगे हम देखने. हम वेट कर रहे हैं कि हम कब जाएँ और इट विल बी अ गुड थिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.